फाउंडेशन के चेयरपर्सन अशोक गोयल मंगालीवाला की तरफ से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज सुशीला भवन में आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में उन्हें कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम में लगभग 300 से 400 महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर अस्पाम फाउंडेशन की ओर से उपस्थित विवेक गोयल ने सिटी बिग न्यूज को बताया कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर और उनकी हेल्पर ना हो तो गांव वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी इसी मेहनत को देखते हुए अशोक गोयल के मन में इनको सम्मानित करने का विचार आया। आज अशोक जी की तरफ से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है और सभी महिलाओं को सम्मानित करने की उन्होंने सोची है। जितनी भी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और उनकी जितनी भी हेल्पर हैं, उन सबको सम्मानित करने का उन्होंने सोचा कि ये लोग छोटे से अपना काम करके गांव-गांव में ये मैसेज देती हैं, इतना अच्छा काम करती हैं। यदि आंगनवाड़ी और ये आशा वर्कर और इनकी हेल्पर ना हो तो गाँव वालों को, ग्रामीणों को बड़ी दिक्कत होती है। उनके मन में विचार आया कि इनके मान सम्मान के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने सबसे अच्छा दिन देखा मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के उपलक्ष में आज इसीलिए सभी को सम्मानित किया जा रहा है। आज इतनी भी आंगनवाड़ी वर्कर काफ़ी भारी संख्या में आई हैं, उन्हें देख के हमें लगता है कि इनके काम करने का उत्साह कितना अच्छा है, कितनी लगन से ये लोग काम करते हैं। और उनके एक बुलावे पे सभी ने इनको इतना मान सम्मान दिया। इन सभी बहनों को, माताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अशोक जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वहीं बीजेपी के नेता रविंदर शोरान ने बताया कि नारी समाज को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अशोक गोयल एक अच्छी शख्सियत के रूप में उभर कर आए हैं। उनका कहना है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो भी खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर नारी सम्मान के लिए कार्यक्रम हो, उसमें अशोक गोयल उभर कर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अशोक गोयल राजनीति में आते हैं तो राजनीति भी स्वच्छ हो जाएगी और राजनीति में आने के बाद वो दुगनी समाज सेवा कर पाएंगे। मकर संक्रांति के ऊपर हमारे जो अशोक गोयल जी हैं, उन्होंने समाज के अंदर एक नारी समाज को सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम नारी समाज को और जितने भी वर्ग हैं, समाज के कार्य हैं, वो सभी में ही सहयोग देते हैं और एक अच्छी शख्सियत के रूप में अशोक गोयल जी उभर कर आए हैं। जो हमारे इस हिसार लोकसभा के अंदर कहीं खेल कूद प्रतियोगिता है, कबड्डी है या कहीं नारी सम्मान का मामला आता है, तो हर जगह वो अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। ये हमें एक अच्छे इंसान के रूप में अच्छे लगे हैं। आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि ये चुनाव में उतरने वाले? देखो जी, चुनाव में उतरना वो उनकी सोच है, उतरना है या ना उतरना है या पार्टी ने सोचना है। जिसको भी टिकट पार्टी देगी वो तो वही उठेगा, लेकिन ये तो समाज कार्य करता है, बहुत तकड़े समाज सेवी हैं जिन्होंने हर जगह सिलाई सेंटर में भी महिलाओं को योगदान मिलता है, छोटे जितने भी खेल कूद प्रतियोगिता है स्पोर्ट्स में, उसमें खिलाड़ियों को योगदान मिलता है। तो ऐसे शख्सियत की हमारे को ज़रूरत है। तो ये अगर राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनकी आने से और भी इन्होंने मतलब बढ़ चढ़ कर भाग तो लेना ही है सामाजिक कार्यों में। आपका कहने का मतलब है अशोक गोयल मंगाली वाले को हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से तो लड़ना चाहिए जी, क्योंकि ऐसे समाज सेवी की हमें ज़रूरत है जो बिना राजनीति में आए हुए भी जब इतनी समाज सेवा करते हैं तो राजनीति में आने के बाद और ज्यादा करने में सक्षम होंगे। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ता है। प्रोग्राम अच्छा लगा और औरतों की इज रिस्पेक्ट के लिए जो प्रोग्राम रखा हुआ है ये भी बहुत अच्छा लगा और मातृशक्ति ये उद्देश्य के बारे में पता लगा, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर जो कार्य कर रही है उनके बारे में पता लगा और जैसे सम्मानित किया गया है सुपरवाइजर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर को, हेल्पर्स को, और अच्छा लगा प्रोग्राम। अच्छा था बहुत, इट्स अ नाइस प्रोग्राम फॉर अ मोटिवेटिंग टू वुमेन। इसमें कम से कम 300-400 के लगभग महिलाएं आई हैं और हमारे हिसार एजबन में 128 वर्कर हैं, 128 हेल्पर्स हैं जो कि सारी की सारी आई है, यानी कि 256 तो हमारी ब्लॉक से हो गई। सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान अशोक गोयल के समर्थक बजरंग बंसल का कहना है कि वह अशोक गोयल को पिछले 40 साल से जानते हैं। ऐसे समाज सेवी को राजनीति में जरूर आना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा करने वाले लोग राजनीति में बहुत कम है। ये कार्यक्रम समाज सेवा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए और महिलाओं को पूरा सहयोग देने के लिए अशोक गोयल मंगाली वाले की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है।
इसमें नववर्ष की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के लिए यह आयोजन किया गया है। जैसे अशोक गोयल मंगाली वाले हिसार लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने हैं, जैसे सामाजिक कार्य दिन पे दिन करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले चुनाव के लिए वो अपनी राजनीति की तैयारी कर? नहीं, राजनीति की तैयारी तो एक साथ में होता ही है, समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है, राजनीति के साथ बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ करना। लेकिन राजनीति की बात को छोड़ करके मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूँ, 1978 से जब उनकी JK केमिकल फैक्ट्री होती थी, उस टाइम भी हर संक्रांति और नए साल के ऊपर वो गरीबों को उत्थान के लिए बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी नाम कमाने के लिए वो रात को कंबल लेकर निकलते थे 31 दिसंबर की रात को, और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जो कि गरीब और जो लंगड़े लुल्ले भिखारी जो सोए हुए होते थे उनको कंबल उठा करके चले जाते थे हर संक्रांति पे और हर नए साल के ऊपर। मैं जैसे इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि इनको राजनीति में आना चाहिए, आने वाले चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वो तो उनका अपना पर्सनल निजी मत है, वो क्या करते हैं, हम तो कहते हैं आना चाहिए, वो उन्होंने सोचना है। लेकिन वो जो समाज सेवा जिस भावना से वो कर रहे हैं, उस टाइप के लोग आज राजनीति के अंदर बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जो पैसा कमाने के लिए राजनीति करनी हो। हमारे एक सवाल के जवाब में बजरंग बंसल ने हंसी हंसी में अशोक गोयल की लोकसभा चुनाव लड़ने की बात जाहिर कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अशोक गोयल हिसार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या BJP की तरफ से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दी जाएगी। आगे की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज, और सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज से, और सिटी बिग न्यूज के पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।